हेलो, हेलो, नमस्ते भैया। नमस्ते जी। मैं अदनान बात कर रहा हूँ, यहाँ आपसे बात हुई थी ना पहले दोसा से। हाँ डोसा से? हाँ जी, बताइए। मेरे आपने आपकी राय से मैंने आपने जो तो काम बताए थे ना वो मैंने करे थे, तो मैं आज यार जिम चला गया मतलब तो 2 दिन से। वो मैंने वहां तो मतलब मशीनें की थी, मतलब ज्यादा डंबल वगैरह नहीं उठाया। आज पता नहीं पेट में बहुत धक 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 सी हो रही है। अच्छा, तो हाँ मतलब धक धक पेट भारी भारी सा हो रहा है। मतलब तो 6-7 दिन से मैं बिल्कुल ठीक था, अब ये आज ये सब हो गया। पता नहीं कितने दिन जा रहे हो? 2 दिन ही हुए हैं। तो आपको ये लगा भाई अपन ठीक हो गया, अब चलते हैं, ऐसा है ना? हाँ, ऐसा लगा मेरे को। देखो भाईजान, इसमें गड़बड़ क्या होती है, हम जो जिम जाते हैं वो गलत तरीके से, हम प्रॉपर उसमें फॉलोअप सेशन से नहीं करते हैं, तो वो गड़बड़ हमने कर दी तो वहां पे फिर वही प्रॉब्लम हो गया। मतलब वो नाभी वाभी क्या? इसमें हमारा मेन काम होता है नाभि नलों का, और जब तक आपकी नाभि नले प्रॉपर सेट नहीं होते हैं तब तक फिर वो गड़बड़ होता है। जी, तो अगर प्रॉब्लम में फंसे तो वही बात है, आपने गड़बड़ किया है तो वापस से वही है भाई, आपको फिर शुरू करना पड़ेगा ट्रीटमेंट। देखो जिम गलत नहीं है, जिम अपने आप में सही है, बहुत लोग करते हैं, जी इस बात को समझो भाई, जिम को अपने आप में गलत नहीं, लेकिन जिम को जो एटलीस्ट हमारे साथ जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम अगर हम उससे सही तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे, देखो बेवकूफ होना या गलत होना या अज्ञानी होना कोई गलत नहीं है, लेकिन बार बार गलती करना वो फिर गड़बड़ कर रहे हो आप। आपको पहले अपनी बॉडी को ऑलमोस्ट डायग्नोसिस करना पड़ेगा आपकी बॉडी कैसे ट्रीट कर रही है, और जब तक आप बॉडी के जी लेवल को नहीं समझेंगे बॉडी फिर आपको परेशान करेगा, समझ रहे मेरी हो बात को? सकता है कोई डाइट वगैरह, जैसे मैंने क्या है अंडे खा लिए थे कल, अच्छा तो वो थोड़ी पोटी करने में भी प्रॉब्लम आई थी। देखो वही बात है, आपने सब चीजें गड़बड़ कर दी, जो चीज ऑलमोस्ट आपको करनी नहीं थी वहां फिर आप उल्टा कर रहे हो। देखो वही बात जी है, अगर आप ऐसे लापरवाही करेंगे तो फिर मेरा प्रॉपर आपको गाइड करने का और आपका मेहनत करने का और मेरा टाइम जाने का कोई मतलब नहीं है, सब चीजें कोई बर्बाद कर मतलब दी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तो फिर आप ये बताइए फिर क्या मतलब रह जाएगा मेरा आपको समझाना और आपका करना और आपकी मेहनत? जी, वो मैं मतलब वो जिम के लिए ही ऐसा लगा मेरे को कि जिम जाते ही ऐसा कुछ हुआ। जिम नहीं करना है आपको भाई, नहीं करना, इसमें ऑलमोस्ट मेरी तो बाइक तक बंद कर दी गई थी, मतलब बाइक भी आज भी यूज नहीं करता बाइक, खाली पेट, तो खाली पेट बाइक तक क्या, मैं 4 व्हीलर में नहीं बैठता, पैदल चलता हूँ पूरे दिन भाई, जिससे ना भी मेरा प्रॉपर सेट हो एक बार ऑलमोस्ट 1 साल के लिए कम से कम, मैंने बाइक वगैरह 4 व्हीलर कुछ भी यूज नहीं करता, जितना होता है पैदल चलता हूँ। अगर जहाँ पे साहब अटक जी गए या अब तो साहब गाड़ी में जाना पड़ेगा तो वहां पे किसी के साथ 4 व्हीलर पे निकल जाते हैं, तो ये समझो जब तक आपका ना भी प्रॉपर सेट नहीं होता, वो इसमें कोई बीमारी नहीं है, सबसे पहले आप दिमाग से निकाल दो, बीमारी नहीं है जो ट्रिगर कर दिया फिर आप परेशान हो गए, ये बीमारी नहीं है ऑलमोस्ट, सिर्फ हमारा नाभि का पूरा खेल होता है, और जब नाभि हटी तो दुर्घटना माइंड के लेवल से घटी, फिर वो दिमाग पे ट्रिगर करेगा फिर आप फंस जाएंगे, तो जैसे ये जैसे आप वाला उससे रहता बाहर है क्या? निकले फिर प्रॉब्लम फंस गए, फिर आपने गलत डाइट इस्तेमाल की फिर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। जी, बस वही हो गया। तो अब ऐसा ही भाई, आपको जो मैंने चीजें सजेस्ट करी है वही आपको लेना है फिलहाल, 45 डेज का फर्स्ट फॉर्मूला है, 6 मंथ का पूरा ट्रीटमेंट चलता है, इसमें अराउंड 45 डेज का पहले आपको वो चीजें बता रही है वो आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर अपन सेकंड फेज पे चलेंगे। मैं आपको जो मना कर रखी थी डाइट वगैरह के लिए कि भाई आप ये चीजें नहीं करना, जो चीजें मैंने बताई सिर्फ वो खानी है, और वही सब चीजें वापस चालू कर देंगे अराउंड 4 महीने बाद, तो फिर आप गलती करोगे देखो गलती से आपको भुगतनी पड़ेगी। जी, बिल्कुल नहीं, डाइट तो मैंने आपकी चालू की, बस वो अंडा खा लिया बस मैंने। अंडा नहीं खाना तो यार मैं बोल देता, अगर अंडा खाना होता तो आपको वीडियो में बता देता मैं, आपको अंडा खा लेना कोई दिक्कत नहीं है, जी जी लेकिन जब हाँ नहीं बोला वो इसका मतलब किसी ना किसी रीजन से मना किया, क्योंकि इसमें हीट ज्यादा होता है, उसका जो लाइक जिसको हम बोलते हैं उसका बेस जो होता है वो गर्म होता है, जी जिसको हम तासीर बोलते हैं हमारी भाषा में, जिसका तासीर गर्म होगा वो फिलहाल आपको नहीं खाना है, क्योंकि जी आपसे पहले बिल्कुल से एटेड हो रहे कि आप उनको और हीट देंगे और वो चीजें डालेंगे तो कहीं ना कहीं उनका एटेड करेंगे, भाई आपको गुस्सा आ रहा है, मैं आपको एक झापट और मार दूं तो और गुस्सा बढ़ेगा ना आपका, समझ रहे मेरी बात से, बिल्कुल, और हाँ आपको सही है। प्रेम पूर्वक कोई बात समझाऊंगा तो आपको समझ आएगा। अभी आप प्रॉब्लम फंसे, मैं 2 तरीके से ट्रीट कर सकता हूँ, एक तो आपको जबरदस्ती गुस्से से मैं आपको समझाऊं तो आप कहीं ना कहीं गुस्सा होंगे यार भैया ये कोई बात थोड़ी ना हुई, और दूसरा आपको प्रेम में समझाया जाए तो आप समझ जाएंगे भाई ठीक है मेरी चीज अब नहीं करनी है,
जी जी समझो, जो चीज पहले से प्रॉब्लम है उसको और में नहीं फंसाना है। ऐसा नहीं भाई वो चीज हमारे लिए जहर है या हमारे लिए पॉइजन है, हमें खानी नहीं था उम्र, ऐसा नहीं है। पहले हमें वो सब चीजें ठीक करनी पड़ेगी जो हमारी पहले से गड़बड़ हुई है। जी, तो अभी आपको वो चीज नहीं करनी है भाई, ना योग, ना आपको वो करना है लाइक भी जिम वगैरह करना है, ना आपको एग वगैरह खाने, ना आपको नॉनवेज खाना है, ना आपको तला फला खाना है, ना आपको खट्टा चीजें खाना है। फिलहाल कुछ मन नहीं खाना आपको। ऑलमोस्ट हमारा 45 डेज एंड फिर 45 डेज, अराउंड अराउंड 3 महीने के आसपास ये चीज आपको नहीं खानी है बिल्कुल भी, जी सर बिल्कुल बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। आगे से ध्यान बिल्कुल बिल्कुल है ना। जी जी सर ये गलती मत करो भाई यार, मेरे यार जो गलती करोगे तो फिर मेरा ये होता है यार, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ कहीं ना कहीं लोगों को काम नहीं आ रही, फिर मेरा मेहनत करना बिल्कुल बेकार होता है। हाँ बिल्कुल सही है। और आपने जो मेहनत करी 7-8 दिन, वो सब कुछ पानी में फिर गई है, मान लीजिए जीरो पे आ गए आप वापस से। जी वापस जीरो पे आ गया। तो ये सब चीजें नहीं करनी। कुछ भी आपको लगता है यार ये चीज करें नहीं करें, तो या तो देखो थोड़ा बहुत आप अपनी लाइफ को समझो भाई, ऑलमोस्ट आपकी बॉडी कैसे काम कर रही है। फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट रहता है तो आप ऑन कॉल कन्वर्सेशन कर सकते हैं। आपको या तो जाने से पहले पूछ लेते एक बार, तो मैं आपको सर वैसे ही मना कर देता, खाने से पहले पूछ लेते मैं आपको मना करता, लेकिन आप नहीं पूछते तो वो आपकी गलती, तो एक बार आपको फिर वो चीज सहन करना पड़ेगा, फिर आप दोबारा कोशिश करें निकल जाएंगे, कोई बड़ी कारण। लेकिन भाई गलती बार बार मत करो। जी जी सर बिल्कुल आगे से बिल्कुल ध्यान देंगे। ठीक है ना। जी जी सर थैंक यू। ठीक है।